साहब कितने साल हो गए सर आपको यहाँ पर बंसी बजाते हुए? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम कल्याण। कल्याण? कल्याण कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है? नहीं, उल्लासनगर। अच्छा अच्छा, हाँ, आप बहुत अच्छी बजा रहे हैं। कौन सी आपको फेवरेट धुन आती है? वो हीरो धुन की बजा सकते हैं सर आप? हीरो की? हीरो? हाँ। हीरो की बजाइए सर एक बार। वो हीरो पिक्चर है ना? हाँ। वो बजा के दिखाइए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इसी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, सामने आइए। हाँ आप बताइए। हाँ बजाओ, एक मिनट को। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। एक मिनट, इनसे पूछना चाहूँगा, ये बगल में खड़े हैं मेरे, आप बताएंगे सर कैसा लग रहा है आपको इसके दिन में? बता तो दीजिए, 2 मिनट राय तो दीजिए। बड़ी बांसुरी कितनी की आती है आपको? 1000 रुपये तक। 1000 रुपये तक? मजाक कर रहे हो? नहीं, उसमें भी फ्लूट होते हैं, उसमें भी कोड होते हैं। लेकिन वो जो ऐसे वाली होती है, ऐसे मेरी बात सुनो, उसमें कोड होते हैं। मैं खुद बांसुरी में एक्सपर्ट हूँ, फ्लूट बजाता हूँ, गिटार बजाता हूँ, ऑर्गन बजाता हूँ, इसलिए मैंने दूर से नोट किया। क्या प्राइस होगी है आपके हिसाब से? क्या प्राइस होगी? मेरी बात सुनो, आपका कौन सा कोड चलता है? ये तो नॉन काली, तीन काली, एक। नहीं नहीं, ये कोड नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या है, वो छोटी सी, मतलब आपको मैं नॉर्मल भाषा में समझाना चाहूँगा, आपको सुर की नॉलेज नहीं, आप एक मानते हूँ आपको, या आप इसी मराठी में संगीत पढ़े ना है? नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन आप जो बजा रहे हो ना, ये आप, आपके बात हाँ सिंपल है, ये तो नॉर्मल बच्चा बजाता है, लेकिन इसमें भी आपकी धुन बहुत अच्छी है। मेरे को दूर से देख रहा हूँ, मतलब क्या कलाकारी कर रहे हो। आंटी जी, आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, कितने साल हो गए आपको इनके साथ रहते रहते? कितने साल हो गए इनके साथ रहते रहते? मैं यूट्यूबर हूँ मैं। हाँ, 2 साल हो। 2 साल आपको? दो ढाई साल है। दो ढाई साल हुए है ना? हाँ। तो मैं भाई, बात सुनो, आप दोनों यहीं रहते दादर के ऊपर ही? हाँ, चलो एक 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 काम करता हूँ मैं आपके सामने, मैं लिंक दे दूँगा आपको अभी। चाहता हूँ कि मैं, देखो जो गरीबी है, इनकी कला है, जिनके अंदर जो कला है, उनको कला को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। और वो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये देखिएगा, ये दादर स्टेशन है, वो दादर स्टेशन के ऊपर ये फ्लूट बजाते हैं, इतना अच्छा फ्लूट बजाते हैं। इनको अगर मौका मिला जाए, ये इनकी धर्मपत्नी है और इनका बिल्कुल सहयोग कर रही है, ये बता रहे 2 साल से इधर ही इसी दादर स्टेशन में बजाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ इनकी कोई हेल्प करना, जहाँ तक इनके कोड का सवाल है, तो मैं ये कुछ हेल्प इनको देना चाहता हूँ। दादर स्टेशन पे बैठे हैं, कितना है? ये दादर स्टेशन, दोस्तों जब भी आए ना कभी, तो दादर स्टेशन मुंबई के अंदर इनके ज़रूर मिलिएगा। और ये मैंने नहीं मांसूरे के लिए दिए हैं, आपको एक फ्लूट बहुत नीचे है, ठीक है आंटी जी? जब नई बांसुरी ले लोगे ना, इसके ऊपर ही आप बनाना, मैं अपना फ़ोन नंबर भी देके जाऊंगा इनको। और अगर इनके कला को मैं दूर से देख रहा था, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, तो इसी हिसाब से मेरे को लगता है कि नहीं है, ये यहाँ पर रहने लायक नहीं है। अगर कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इनको देख रहा हो, और मैं ये चाहता हूँ, कब तक आप ले लेंगे बांसुरी वो बड़ी वाली?
और मैं देखो दूर से गिरे आता रहा था, मैं कई देर से नोट कर रहा था। तो आंटी जी अपना ध्यान रखिएगा, और एक बार कोई अच्छा चलते चलते कोई अच्छा गाना बता दीजिए, बजाए एक बार। हाँ बजाओ। जय हिंद, जय भारत, जय हो।